তিল জ্বলায়, যেখানে জামাতে যেখানে আহমেদিয়া মুসলিম জামাতের ইন্দে কর্ণধার যিনি ওনার কাছে আজ আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে প্রথমেই দাদা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সারা বছর কী রকম সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন যদি একটু জানাতেন। नमस्कार, सलाम, आदाब। हम अहमदिया मुस्लिम जमात के जो मेंबर हैं, अहमदिया मुस्लिम जमात असल में वो जमात है अहमदिया मुस्लिम जमात असल में वो जमात है जिसके हवाले से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। ये भविष्यवाणी थी उनकी कि एक समय आएगा कि जब इस्लाम सिर्फ़ नाम का रहेगा और कर्म से दूर होंगे, तब एक जो है मसीह माऊद इमाम मेहदी वो आएंगे और उस इस्लाम को जो इस्लाम मैं लेकर आया हूँ उस इस्लाम को दोबारा इस दुनिया में कायम करेंगे। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब 1899 में उनकी पैदाइश हुई थी, 1835 में और 1899 में उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं वो इमाम मेहदी हूँ जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। और मेरे आने का मकसद दो है, जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान का और मनुष्य का और ईश्वर का, अल्लाह का जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है, वो ख़त्म हो रहा था, उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए, यानी मानव को खुदा के साथ जोड़ने के लिए मैं आया हूँ। और इंसान का इंसान के साथ जो भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत ख़त्म हो रही थी, उस प्यार मोहब्बत को दोबारा उजागर करने के लिए मेरे आने का ये मकसद है। तो जमात अहमदिया इसी काम को लेकर आगे बढ़ रही है और यही पैगाम पूरी दुनिया को, 216 देशों में जमात अहमदिया है, कायम है, और जमात अहमदिया ये पैगाम दे रही है कि अपने पैदा करने वाले को आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस दुनिया को, वो ये कि वो उसको अपने पैदा करने वाले को, यानी अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने पैदा करने वाले को पहचानने की ज़रूरत है। और उसको पहचान कर उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो मकाम है, वो देने की ज़रूरत है। वरना आज हम दुनिया में हर तरफ अशांति देख रहे हैं कि हर तरफ अशांति फैली हुई है। उसकी वजह भी, सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों ने अपने पैदा करने वाले, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने खुदा को भुला दिया है। जब तक लोग अपने खुदा को नहीं पहचानेंगे, अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानेंगे, तब तक इस दुनिया में जो है अमन, वो शांति जो है वो दुनिया में कायम नहीं हो सकती। तो जमात अहमदिया का सबसे पहला काम यही है कि दुनिया अपने पैदा करने वाले को पहचाने। और इसी हवाले से हम पूरी दुनिया में काम भी कर रहे हैं। हमारे इस वक्त के जो इमाम है, खलीफा है, हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, उनकी ये किताब है। और हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये उनकी फ़ोटो है, इन्होंने इस किताब में ये ज़िक्र फरमाया कि आज अगर दुनिया को हम बचाना चाहते हैं, दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है, तो उनको सबसे पहले अपने पैदा करने वाले, अपने खुदा को पहचानने की ज़रूरत है। और ये किताब जो उनकी है, इसमें उनकी जो है वो स्पीचेज़ हैं, उनकी जो उनको विभिन्न जो है मुख्तलिफ पार्लियामेंट में उनको बुलाया गया था, जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर वगैरह, और कैपिटल हिल में, और यूएस के लंदन के पार्लियामेंट वगैरह में, तो ऐसे विभिन्न पार्लियामेंट में उनको बुलाया गया था कि हम दुनिया में अमन किस तरह कायम कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें ये बताया कि हम अमन तभी कायम कर सकते हैं जब हम अपने पैदा करने वाले को पहचानें, और उसको ना पहचानने की वजह से हमने दुनिया में बड़ी दो गलती की। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, दो पिछला दो हमने लड़ाइयाँ जो विश्व युद्ध जो लड़ी गई, उसकी भी वजह यही बनी थी कि दुनिया में जो है वो इंसाफ जो है वो ख़त्म हो गया, जस्टिस जो है वो कायम नहीं है दुनिया में। और दूसरा ये कि हम जो जिसका जो अधिकार है, मानव अधिकार, या जिसका जो भी अधिकार है, हम वो अधिकार जो है उनको नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये दोनों बड़ी गलतियों की वजह से अशांति फैली हुई है। तो और ये दोनों बड़ी गलतियाँ इस वजह से हमारे अंदर कायम हुई है,
पैदा हुई है कि हमने अपने पैदा करने वाले को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को जो है वो बुला दिया हुआ है। जैसे अहमदिया मुस्लिम जमात का जो मोटो है वो लव फॉर ऑल हेटर फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं, ये जमात अहमदिया का मोटो है और इसी को लेके जमात अहमदिया काम कर रही है। और हम हर एक जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मानव के लिए, मनुष्य के लिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैंने सबसे उत्तम जाति जो है वो पैदा किया और वो उत्तम जाति जो है वो मानव जाति है, और उसकी वजह ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दिया है जो किसी और दूसरे जीव जंतु को अल्लाह ताला ने वो अकल नहीं दी। तो हम जो जिसको सर्वश्रेष्ठ अल्लाह ने हमें कहा कि हम मैंने तुम्हें सबसे उत्तम बनाया है, तो अब हमारा काम ये है कि हमें उत्तम हो के दिखाना भी ज़रूरी है। अगर हम उत्तम नहीं होते तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होगा, तो हमें सबको मिलजुल कर जो है वो रहने की ज़रूरत है। जैसा कि जमात अहमदिया का जो मैंने कहा कि मोटो है लव फॉर ऑल हेटर फॉर नन, और ये मोटो को लेकर जमात अहमदिया हर एक अपने दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों से जो है वो हुस्न सलूक करती है, और मानवता के लिए जो भी मुमकिन हो सके जमात अहमदिया वो काम करती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन हमारा कैंप हुआ, उसमें हमारे जो यहाँ के अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया, और तकरीबन 60 के करीब जो है 60 यूनिट तक हमने जो है ना ब्लड को डोनेट किया है। इसी तरह आसाम में अभी जो फ्लड आया हुआ है तो उसमें भी जमात अहमदिया ने जो है वो खिदमत इंसानी के तौर पर वहाँ पे जो लोगों को जो नुकसान हुए हैं, हमने कोशिश की है कि उन नुकसान में हम अपना हिस्सा भी उनको जो है कुछ डोनेट करें, तो उस जमात अहमदिया ने वहाँ पे भी डोनेट किया। तो जमात अहमदिया इंसानी खिदमत के लिए हिंदुस्तान में भी और दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे जमात अहमदिया कोशिश करती है पहुँचने की वो पहुँचते हैं, और जो मानवता की सेवा के लिए जो काम करना चाहे वो जमात अहमदिया कर रही है। तो इस तरह के स्कूल्स जो है जमात अहमदिया ने खोले हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं जमात अहमदिया ने खोले हुए हैं जिसमें मुफ्त इलाज भी होते हैं, और अगर कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह, आई कैंप वगैरह, तो इस तरह के कई सारे प्रोग्राम जो है जमात अहमदिया वो कर रही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो असल में मानवता को मानवता के साथ जोड़ने के लिए, प्रेम भाईचारगी के लिए जो काम है वो ये कि हम एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह हम अपनी सेवा दे सकते हैं, वो सेवा जमात अहमदिया कर रही है। आपका नाम? मैं मोहम्मद सगीर आलम। असंख्य धन्यवाद सगीर आलम जी आपके हमारे संवाद माध्यम के अपनी जे समय दिलें, तो असंख्य धन्यवाद। अपना देखते थकूँ से ही चित्र अपन सामने बराबर तुले धरब एवं सत्कारटी सम्प्रचार करब अपन सामने, तई नजर रखते भूलें ना। हमें आबार फिर आसब अपन सामने अन्न को खबर नहीं।